मैं नल्लीकांत रॉय, पराक्रम ओवरफ्लाई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जनरली मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ये पैकेज हमने एक लंच किया था, 5,500 का पैकेज लंच किया था, उसमें मशरूम का किट दिए थे। और ये बिजनेस हमने देखा काफ़ी अच्छा छत्तीसगढ़ में रेस्पॉन्स दिया है, झारखंड में भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स किया है, उड़ीसा में भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स किया है, अभी धीरे धीरे आंध्र प्रदेश में भी रेस्पॉन्स कर रही है। तो हमारा यही मानना था, ये करीबन हमने इसमें देखा, हम दो तरह का मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हैं, एक तो है वेस्टर्न मशरूम और दूसरा है पेडिस्ट्रो मशरूम। तो वेस्टर्न मशरूम हमने देखा जर्मनी में सबसे पहले शुरू हुआ था, उसके बाद हमारे भारत में 1940 में वेस्टर्न मशरूम का शुरुआत हुआ था, जो कि आपका कर्नाटक तमिलनाडु में चालू हुआ था। तो हमने और एक भी चीज़ देखा, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं, 30-40 साल से उड़ीसा में पेडिस्ट्रो मशरूम का ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है, और इसके वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई किया जाता है। और इस मशरूम से हम सबसे बड़ा बेनिफिट हमने इसमें पाया है, वेस्टर्न मशरूम हो या पेडिस्ट्रो मशरूम है, इसमें ज़्यादा आपका फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है, और साथ ही साथ एकदम हाईली प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल्स रहता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट के लिए मशरूम बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि इसमें फैट बहुत ही कम रहता है, जबकि 0.3 ग्राम भी हम इसमें ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से डायबिटीज पेशेंट अगर इसको रेगुलर वाइज से ले तो उसके काफ़ी शरीर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, और हमने ये काफ़ी ज़्यादा गौर किया। और दूसरी बात है, हमने इसमें ज़्यादा फोकस किया, ये जो मशरूम है ये खेती में बहुत कम पैसे में खेती किया जा सकता है, इसका कल्टीवेट किया जा सकता है, इसमें पानी का कंजप्शन भी बहुत कम रहता है, इसको देखभाल अगर अच्छे से करते हैं तो इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इसमें इनकम का प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया बन सकता है। तो हमारा यही सोच रहा कि हमारे जो पराक्रम के जितने भी एसोसिएट्स हैं, हम चाहते हैं कि इस कल्टीवेशन से ज़्यादा आप लोग का इनकम हो, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिविटी ला के आप अपना नाम कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी फायदा है, हमने देखा कि इसमें लेडीज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी SHG ग्रुप हो गया, काफ़ी लेडीज हो गए, और काफ़ी स्कूल्स हो गए, खेती बाड़ी में किसान भाई काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिविटी देके, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देके, और ये अपना ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा कर रहा है, उनका इनकम लेवल एक स्टेबल हो जा रहा है, दिन पे दिन उनका वही चाहत रह रहा है कि हम डे बाई डे कैसे इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँ और इससे इनकम कितना अच्छे से अच्छा हो पाए। तो आज जो सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे, हमारा पेडिस्ट्रो और साथ ही साथ वेस्टर्न मशरूम का कैसा कल्टीवेशन किया जाएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा आपका इनकम कैसा हो सकता है, तो ये सारी चीज़ हम अभी व्हाइट बोर्ड के तरफ देखेंगे। अभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड के तरफ। अभी हम देखेंगे हमारा जो वेबसाइट है www.parakram.net.in, केस स्टडी ऑफ वेस्टर्न एंड पेडिस्ट्रो मशरूम। इसके लिए एप्रेटस रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हम इसको तीन पार्ट समझने के लिए हमने इसको बनाया है। ए में आइसोलेशन रूम, एग्जस्ट फैन, जीरो पावर बल्ब, सेट मतलब बोरा, नाइलन रोप, रस्सी, बम्बू पीस। बी सेक्शन में वाइट और पेडी स्ट्रो बंडल चाहिए, मतलब गेहूं और आपका धान का बंडल चाहिए, उसको काटने के लिए कटर, और ड्रम चाहिए 200 लीटर का, यानी कि आपके पास टैंक अगर घर में है तो बहुत अच्छी बात है, 100 लीटर पानी चाहिए फॉर्मेलिन, नहीं तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसके जगह में यूज़ कर सकते हैं, जो कि चूना वर्मेस्टिक। ड्रम के लिए कवर, और सी सेक्शन में ब्लैक ट्रिपल पॉलीथीन बैग, जो कि 16x21 इंच का होना चाहिए, पॉलीथीन लंबा पॉलीथीन चाहिए जो कि पेडिस्ट्रो में उसको ढकने के लिए काम आता है। एक बाउल चाहिए जो कि स्पॉर्म, उस बाउल में हम लोग डाल के यूज़ कर सकते हैं। पल्सेस पाउडर चाहिए, थर्मोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो पहले दिन में सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम जो भूसा ले रहे हैं उसको भूसा का क्वालिटी एकदम अच्छा होना चाहिए, और वो भूसा वो बंडल में होना चाहिए, मतलब भूसा का स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बैल वैल जो चला के उसको चुकना चूर कर देते हैं, वैसा वाला भूसा इसमें अच्छा नहीं होता, उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। हम उस भूसे को वेस्टर्न मशरूम के लिए 1 इंच हिसाब से हम काट के रख सकते हैं।
अगर हम पेडिस्ट्रो कर रहे हैं, पेडिस्ट्रो के लिए 1 फीट से 1.5 फीट के अंदर काट के रख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे वेस्टर्न मशरूम में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम 1 इंच का भूसा सब हम काट के रख दिया। तो इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने एक ड्रम ले लिया। अगर आपके पास टंकी है तो बहुत अच्छी बात है, इसी हिसाब से आप आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टंकी है, आप टंकी को आप ब्लीचिंग पाउडर से अच्छे से धो सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मलिन का पानी, फॉर्मलिन यूज़ करके उस पानी से भी काफ़ी अच्छे से धो सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, फॉर्मलिन नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर से टंकी को भी धो दिया, और उसके अलावा ये ड्रम को भी हमने धो लिया है। धोने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, 200 लीटर ड्रम में हम इसमें 100 लीटर साफ सुथरा पानी ड्रम में लेंगे। उसके बाद उसके अंदर फॉर्मेलिन हमने 125 ml यहाँ पे डाला है। उस आप चाहे तो इसमें चूना 100 ग्राम डाल सकते हैं, और बावेल स्टिंग जो है हमने इसमें 10 से 12 ml ग्राम इसमें डाला है। आप चाहेंगे जब चूना ले रहे हैं तो उस केस में कम से कम आपको 15 ग्राम पावस्टिन डालना पड़ेगा। तो जनरली हम इसको डालने के बाद इसको अच्छे से, हम इसको देखिए अच्छे से मिक्सअप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको मिक्सअप कर दीजिएगा। ये जो मिक्सअप होने के बाद इसको हम स्टेरलाइजेशन सोल्यूशन बोलते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर में देखिए हमने क्या किया, जो काटा हुआ 1 इंच का भूसा है सब हम इसमें ड्रम के अंदर डाल रहे हैं। तो इसमें करीबन 12 से 15 kg भूसा आ जाता है ड्रम के अंदर। तो इस ड्रम के अंदर हम बहुत अच्छे से उसको मिलाएंगे, और ऊपर से उसको प्रेस करके दोनों हाथ से दबा दबा के भूसा को पूरा मिक्स कर देंगे। तो इसमें करीबन 12 से 15 kg भूसा आ जाएगा। उसके बाद इस ड्रम को हम अच्छी तरह से ढक देंगे। तो ये जो भूसा को जब मिलाएंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी भूसा सूखा नहीं होता है, होना चाहिए, सब में आपका स्टेरिलाइजेशन सोल्यूशन पूरा मिक्स होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम प्लास्टिक से ड्रम को ढक लेंगे, और उसके बाद रस्सी से हम इस प्लास्टिक का कवर को बांध सकते हैं। अगर आप टंकी में कर रहे हैं, टंकिंग में भी चारों साइड में आप प्लास्टिक का कवर कर सकते हैं, उसके ऊपर में ईटा भी रख सकते हैं। ताकि उसमें फायदा क्या होता है, इसके अंदर जो हमने सोल्यूशन डाला, वावेस्टिन का काम क्या होता है, इसके अंदर भूसे में जो फंगस रह जाता है वो फंगस को पूरी तरह हटाने का काम करता है। फॉर्मलिन या चूना का काम क्या होता है, उसके अंदर जो भूसे में कीड़े मकोड़े जो रह गए ना, इंसेक्टसाइड जो रह गए उसको निकालने का पूरी तरह काम करता है। तो इसको हमने पूरी अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद ढकने से फायदा क्या होगा, वो जो फॉर्मलिन है व चूना है उसके अंदर में जो फ्यूम्स रहता है, उसका जो गैस रहता है वो क्या होता है, बाहर निकल नहीं पाता है, वो ड्रम के अंदर में पूरा खिल खिल के रहता है। तो इससे फायदा क्या होता है, जो और थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया या जो बोलते हैं आपके कीटाणु वगैरह रह जाते हैं, उसको निकालने में बहुत अच्छा फायदा देता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 16 से 18 घंटा इसको हम कवर करके रख देंगे। तो ये करीबन आपको शाम को 6 बजे के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक उसके अगले दिन मतलब सेकेंड डे 10 बजे, 10 बजे कम से कम हमारा यहाँ पे हो जाता है आपका 6 से 6 12 और ये 4 है ना, कम से कम 16 घंटा हो जाता है यहाँ पे। ठीक 10 बजे के बाद हम उस भूसे में जो पानी भरा वो ड्रम को क्या करेंगे, एक जो हमने त्रिपाल या तारपोलिन यूज किया था, अगर आपका पॉट्स बहुत अच्छा है तो उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर से अच्छे से धो सकते हैं, त्रिपाल को भी आप धो दीजिएगा। साथ ही साथ अगर ब्लीचिंग पाउडर नहीं है तो आप ये जो फॉर्मलिन हमने लाया, फॉर्मलिन से भी उसको पानी को चट्टान या इसको हम त्रिपाल को धो सकते हैं। धोने के बाद ये जो त्रिपाल आप जो डालेंगे थोड़ा ढलाव हिसाब से डालिएगा। उसके बाद त्रिपाल डालने के बाद जो ड्रम में जो बाकी हमारा जो स्टेरिलाइन सोल्यूशन या पानी के साथ जो भूसा रह गया, धीरे 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 आप इसको स्प्रेड कीजिएगा, नीचे डालिएगा। तो इससे क्या होगा, जो भूसा रहा वो सब त्रिपाल में आ जाएगा और बाकी जो पानी है सब बाहर चले जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग स्प्रेड कर लेंगे। ये जो स्प्रेड करेंगे इसमें आपका ध्यान रहे, ये जो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में आप इसको 1 फीट ऊंचाई तक आप ले सकते हैं, 1 फीट ऊंचाई में आप इसको स्प्रेड कीजिएगा।
और ये जो स्प्रेड करने के टाइम आपको ध्यान रखिए, इसको दबा दबा के कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो मॉइस्चर है 100% उसके अंदर नमी या मॉइस्चर है। तो अभी क्या होगा, इसको छाया के जगह में सुखाना चाहिए, धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि आखिरी में हमको कम से कम इसके अंदर 50% नमी या 50% मॉइस्चर चाहिए। तो इसको सूखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 24 घंटे लगते हैं। उसको बीच बीच में आप थोड़ा खिलाते रहिएगा और उसको दबाइएगा नहीं। दबाने से क्या होगा, इसके अंदर बाहर का हवा नहीं जा पाएगा और उसमें नमी नहीं पहुंच पाएगा। और इसके अंदर भी आप देखिएगा, आपको हाथ में पकड़ने से थोड़ा सा गीला ठंडा लगना चाहिए, और ये भूसा कभी भी गर्म नहीं होना चाहिए और उसमें पानी नहीं निकलना चाहिए। आपको ठंडा महसूस होना चाहिए, पानी नहीं निकलना चाहिए। तो ये पूरा टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करता है। कहीं कहीं में क्या होता है, टेम्परेचर के अच्छे से वजह से, मतलब वहाँ पे गर्मी रहने के वजह से छाव में हम सुखाते हैं तो ये 6 घंटा, कहीं पे 8 घंटा, कहीं पे 12 घंटा में भी हो जाता है। तो कहीं कहीं जहाँ पे एटमोसफेयर ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ पे 20 से 24 घंटा भी लग जाता है। तो वही इसमें ध्यान रखिएगा, 50% कम से कम आपका मॉइस्चर होना चाहिए। हाथ में जब पकड़े उसको हाथ से दबाए, ठंडा लगना चाहिए, ना ही आपके हाथ में पानी आना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो खत्म हो गया, ये जो हुआ आप उसको सुखा लिए। इसी बीच में आप देखिएगा, सूखने के टाइम में आपको काफ़ी सारे समय मिलते हैं, जो सेकेंड डे में, उस समय में आप क्या कीजिएगा, आपका जो आइसोलेशन रूम है, जो हमने रूम के अंदर में हम बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे जहाँ की फ्रूटिंग करना है, तो आइसोलेशन रूम को सबसे पहले आप क्लीन कीजिएगा। किससे क्लीन करेंगे, फॉर्मालिन से क्लीन कर सकते हैं आप, बेवस्टाइन ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो फिनाइल से भी क्लीन कर सकते हैं। फॉर्मालिन, ब्लीचिंग पाउडर, नहीं तो फिनाइल से आप अच्छे से इसको क्लीन कीजिएगा। और आप उसमें अंदर जो दरवाजा है, खिड़की है, आपका दीवार है, उसको भी अच्छे से क्लीन कीजिएगा। अच्छे से साफ इसलिए कीजिएगा, उसके अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं रहना चाहिए। जरूरत पड़ने मतलब नीचे को भी अच्छे से क्लीन कीजिए। पहला हमने क्लीन कर लिया, दूसरी बात क्या है, इसके अंदर देखना है हवा सही से आ पा रही है नहीं आ पा रही है। तो जो खिड़की है, खिड़की होना चाहिए, देखिए जैसे हमारा फ्रेश एयर खिड़की से आ रहा है, मतलब घर के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, तो इसको बाहर निकलने के लिए सामने में कोई आपका दरवाजा या खिड़की होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, इस घर के अंदर आप जो रूम के अंदर बना रहे हैं, मशरूम पैदावार करेंगे, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन तो जा रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसके वजह से क्या होगा, आपका मशरूम खराब हो सकता है। और ध्यान रहे, ये जो खिड़की रहेगा, ये खिड़की में कोई फिल्टर लगा के रखिएगा, कोई जाली लगाइएगा, जैसे हम लोग मस्कुटे का जाली भी लगाते हैं, वो तो जाली लगाने से उस घर के अंदर कोई कीड़े मकोड़े बाहर से आ नहीं पाएगा। नहीं तो उससे क्या होता है, जो हमारा मशरूम का पैदावार में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और उस केस में जनरली हम क्या करते हैं, एग्जस्ट फैन भी हम लोग लगाते हैं। एग्जस्ट फैन लगाने से सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, घर के अंदर जो भी ऑक्सीजन जा रहा है तो वहाँ से उसके अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रहे घर के अंदर, जो कि हमारे मशरूम के लिए खराब है, वो एग्जस्ट फैन से सब बाहर निकाल के फेंक देता है। लेकिन और एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मशरूम घर के अंदर करते हैं वो एग्जस्ट फैन नीचे लगाया जाता है, ना कि ऊपर ना ही बीच में, क्योंकि जमीन से 4 फीट के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि जो फ्रेश एयर है वो ऑक्सीजन नीचे की ओर जाने से मशरूम के पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। इस जगह में क्या होता है, मशरूम जो होता है हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो घर बनाया है, ये घर में हमने यहाँ पे येलो इंडिकेट किया है। येलो इंडिकेट इसलिए किया है, वो घर में चाहे तो आप जो मैं बोला था सैक या बोरा, वो बोरा को भी थोड़ा थोड़ा आप घर के अंदर कवर कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, उस घर के अंदर हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सहायता करता है। तो घर के चारों साइड में भी आप थोड़ा थोड़ा बोरा लगा के रख सकते हैं, बाद में हम पानी स्प्रे करके भी हम उस घर के अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात है, घर के अंदर आपका 0 लाइट का बल्ब होना चाहिए। 0 लाइट का बल्ब के आसपास आप थोड़ा सा
जिल्ली पेपर भी लगा सकते हैं, उससे क्या होगा बाहर का जो कीड़ा मकोड़ा है वो मशरूम के ऊपर नहीं बैठेगा ना ही उसको नुकसान करेगा। तो उसके वजह से बहुत जगह हमने देखा है उसमें बाहर में जो बल्ब के बाहर में जिल्ली में तेल में लगा लेते हैं तो उसमें कीड़े मकड़ जाके चिपक जाते हैं, वो भी हमने देखा हुआ है। और एक दूसरी बात है, इसके अंदर मान लीजिए कहीं पे देखा है आपके घर में, मान लीजिए ऊपर में आपका एग्जॉस्ट फैन है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो उस केस में जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर है, यहाँ से खिड़की से हवा आ रही है, तो ये जो हवा जा रही है कैसे जाएगा? ऊपर में एग्जॉस्ट फैन है, आप ऊपर से एक चैनल बना के नीचे में जमीन से 4 फीट छोड़ सकते हैं, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड घर के अंदर है वो चैनल के माध्यम से बाहर चले जाएगा, ऐसे भी हम लोग उसको बना सकते हैं। और दूसरी बात है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो मशरूम का जो घर के बारे में, तो हमारा रेडी हो गया है ना, आप इसी टाइम के अंदर आपने घर भी रेडी कर दिया, और उसके अंदर आपको क्या बम्बू का स्टैक भी लगाना है। बम्बू का स्टैक मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बम्बू का स्टैक लगाऊंगा तो कैसे हो सकता है? जमीन से 5 इंच ऊपर में पहला स्टैक होना चाहिए, उसमें 2 बम्बू यहाँ पे नीचे लगाइएगा, और ये जो बम्बू का है इन दोनों के बीच में, मतलब बम्बू के जो दोनों बम्बू के बीच में, वो कम से कम आप वही मेजरमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम मैंने पहले बोला था पेटी स्ट्रॉ में कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट का स्ट्रॉ को काट के रखना पड़ता है, तो ये 1 फीट के अंदर में रखिएगा, तो उससे फायदा क्या होगा, जरूरत पड़ने या सीजन के हिसाब से आप पेटी स्ट्रॉ भी कर सकते हैं, ये तो वेस्टर्न भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो जमीन से हम लोग 5 इंच क्यों नीचे करना चाहते हैं, क्योंकि 5 इंच के नीचे आपका जो चींटी वींटी कीड़े वीड़े हैं वो उसमें लगेगा नहीं, उसको नुकसान नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, घर के अंदर हमको झाड़ू करने में बहुत सुविधा होती है, तो इसलिए गैप रखिएगा। उसके बाद इसके ऊपर में जो और एक जो दूसरा स्टैक बनाएंगे या उसके ऊपर जो तीसरा स्टैक बनाएंगे, ये स्टैक का जो गैप रहेगा पहला दूसरे तीसरे में, ये 2.5 फीट का गैप रहना चाहिए, ठीक है, 2.5 फीट का गैप रखना चाहिए। और दूसरी बात है, ये जो रैक आपने तो बना लिया, और फिर चलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए, क्योंकि आप साइड में भी और भी रैक बनाएंगे, तो उस जो चलने के लिए भी कम से कम आपका 2 फीट का गैप होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप गैप रैक बना सकते हैं बम्बू का, बम्बू का रैक बनाते हैं तो आप उसके लिए सबसे अच्छा आप उसको पेंट भी कर सकते हैं, ताकि उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और तीसरी बात है, और कहीं पे हैंगिंग मेथड भी हम लोग कर सकते हैं। हैंगिंग मेथड मतलब हम बम्बू का काट लिया, पहला 3 कोना ऊपर में किया, नीचे में 3 कोना किया, तीसरे लेवल में भी 3 कोना किया, मतलब 3 लेयर में हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम जो नायलॉन का रस्सी है उसको बांध के भी हम हैंग करके कर सकते हैं। और एक केस में मान लीजिए आपके पास बिल्कुल बम्बू का सुविधा नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, 3 रस्सी आप नायलॉन का रस्सी ले लीजिएगा, और ये बीच में एक एक नॉट बनाना पड़ेगा, मतलब छोटा छोटा गोल गोल बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक गोल बना के आपने यहाँ पे रख दिया, उसके ऊपर बैग रख लिया, फिर ऊपर में गोल रिंग सा बना के ऊपर में फंसा दीजिएगा, फिर और एक बैग रह जाएगा, फिर यहाँ पे और एक रिंग लगा दीजिएगा, फिर और एक बैग रह जाएगा। इसका होगा तो हम आपको वीडियो में भी पूरा क्लीन करके दिखाएंगे। तो इस हिसाब से आप इसको रैक को भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एकदम क्लियर हो गया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। अभी जो पार्ट 2 का जो हम वीडियो बनाएंगे, आप उसमें देखेंगे स्पॉमिंग कैसा होता है और फ्रूटिंग कैसा, मतलब बिजाई कैसा किया जाएगा और पैदावार कैसा किया जाएगा, पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आपको 7735088404 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।